कर्मचारियों पर मोदी सरकार और राज्य सरकार मेहरबान है। कर्मचारियों के अच्छे दिन 15 अगस्त के बाद आएंगे। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से 7वें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। खबर है कि स्वतंत्रता दिवस पर मोदी सरकार ऐलान कर सकती है। वहीं कुछ राज्य पहले ही रोडवेज कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी का ऐलान कर चुके हैं। इस कड़ी में अब महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान किया है कि राज्य के कर्मचारियों को दिवाली पर 7वें वेतन आयोग का फायदा मिलेगा। दिवाली से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो जाएंगी। राज्य के वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा है कि सरकार दिवाली से राज्य के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करेगी। इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में खासी वृद्धि होगी। सरकार की ओर से राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए ये दिवाली का तोहफा होगा। इस निर्णय से राज्य के 19 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। इससे पहले मुनगंटीवार राज्य की विधानसभा में बता चुके हैं कि 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने से राज्य पर 21,530 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय आएगा। सुधीर मुनगंटीवार ने बताया कि वित्त मंत्रालय ने मार्च में प्रस्तुत बजट में 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान पहले ही किया है। राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी केंद्र के कर्मचारियों की तरह 7वें वेतन आयोग दिया जाएगा। ये घोषणा फरवरी में ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की थी। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 साल से बढ़ाकर 60 साल करने और 5 दिन का सप्ताह करने पर भी फैसला प्रक्रिया के अंतिम चरण में है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।